सो अस्सलाम वालेकुम गाइज, आप देख रहे हो के वाई टी बॉय, जहाँ पे आपको कश्मीरी यूट्यूबर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलती है। आज भी मेरे पास काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिग शाउट आउट टू इर्तिगुल एडिट्स, तो इनके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कशीर के बारे में, जो कि एक कश्मीरी यूट्यूबर है, और इनको जो है 5 मंथ पहले जो है जेल हो गई थी किसी वजह की वजह से। अभी तक ये तो नहीं पता है कि इनको जेल क्यों हुई थी, बट इन्होंने जो है कुछ टाइम जेल में भी स्पेंड किया है, और अब ये जो है जेल से वापस आ चुके हैं। और इन्होंने जो है पिछले 5 मंथ से कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की थी, और बहुत सारे लोग इनको जो है मैसेज एंड डीएम कर रहे थे कि ये जो है जेल में थे, इनके ऊपर जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं। और उसी पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर यह पोस्ट किया, पीपल हर एंड देयर आर स्टिलिंग ट्राइंग टू डिस्टर्बिंग एंड ब्लेमिंग मी, लेट मी नो आई प्रूव्ड माई सेल्फ इनोसेंट इन कोर्ट विद प्रॉपर एविडेंस एंड विटनेस, हैशटैग इंसाफ जिंदा है, प्लीज़ कुछ दिन तक चैन से रहने दो ना, मैं विद प्रॉपर वीडियो आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, हैशटैग कशीर द रियल शेर ऑफ कश्मीर। इन्होंने कहा है कि जो भी इनके साथ हुआ है वहाँ पे ये सब कुछ एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, तो जब भी ये वो वीडियो बनाएंगे तो मेरी वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाए। सो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ रईस मदीनी के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा एक कश्मीरी यूट्यूबर है, और वो जो है प्रैंक्स अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पर, और उसी पे रिएक्ट करते हुए हाफिज अफरोज लोन एक कश्मीरी यूट्यूबर है, उन्होंने जो है उन पे एक एक्सपोज वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो है प्रैंक करते हैं अपने चैनल पे, और ये जो है बिल्कुल भी इस्लाम के खिलाफ है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो आइए उसमें से छोटी सी क्लिप हम देख लेते हैं। अक्सर आई वन फेसबुकस पे या यूट्यूबस पे तुम सी वीडियोस वायरल गसान, और तम कम वीडियो वायरल गसान तम छ गसान प्रैंक्स, ठीक प्रैंक या तम नाव छ दिवन अंग्रेजीस मजन प्रैंक, और अस वनोस कशिर पे मजाक, ठीक तै सवाल मन आसो पाई कि सानिस इस्लामस मन छन मजाकस बिल्कुल तम गुंजाइश, और मजाक कुता बड़ गुनाह छ दोस ओस हकन अंदाज लगे कि ठीक। तो अगर आपका इस टॉपिक के बारे में कुछ भी कहना है तो हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ शमीमा बानो के बारे में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो है आजकल कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जो कि कुपवाड़ा में रहती हैं, और ये जो है 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि जो है ये कश्मीर अब कश्मीर नहीं रहा है, ये मोदी का कश्मीर बन चुका है, ऐसा कुछ कहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद एक यूट्यूबर हैं बासित अली राजपूत, उन्होंने जो है इस पर रिएक्ट करते हुए एक वीडियो पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो आइए देख लेते हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा। दूसरी पॉलिटिशियन बोल रही है कि कश्मीर अब मोदी वाला कश्मीर है, यह अब हुरियत वाला कश्मीर नहीं रहा। बता दूं मैं तन्ने भी, कश्मीर उसके कल्चर का है, उसका कल्चर मतलब यहाँ के लोग। सो गाइस, इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आदि के व्लॉग्स एंड सोहेब व्लॉग्स के बारे में, तो ये दोनों जो है कश्मीरी व्लॉगर हैं, और इनको जो है रिसेंटली एक न्यूज चैनल में फीचर किया गया है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। सोचा था जहाँ बचपन तय कर रहा है उसकी जवानी कैसी हो, के फॉलोअर्स हो गए, टूरिस्ट आने लगे, सारे टूरिस्ट से बनवाते हो वीडियो? नहीं, मतलब इंटरनेशनल वीडियो बनाना है जो बाहर के ऑडियंस देखेगी, मतलब वो थोड़ा मोटिवेट होगी कश्मीर आने के लिए, आना चाहिए ना यहाँ पे। सो गाइस, इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है, और इसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज के इस वीडियो में इतनी न्यूज थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।